नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को सिद्धांत पत्रक केस पता था कि उनको आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीट मिली थी, ठीक है, और उनकी जो सीट है वो एक रॉन्ग क्लिक के कारण की सीट कैंसिल हो गई थी। तो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सीट वगैरह है वो उनको दे दी है, ठीक है। मतलब अभी इंटरिम ऑर्डर आया, मतलब जो फाइनल ऑर्डर है वो अभी उनकी जो प्ले जो इन्होंने प्ले करी थी वो विंटर वेकेशन के बाद होगी, लेकिन उनको जो सीट वगैरह है मतलब वो अभी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और ये फेवर में आया है, ठीक है, और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि आपने, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसको आपने बहुत ज्यादा शेयर किया, ठीक है, मतलब बहुत लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाया। आप लोगों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ऐसा अगर किसी और स्टूडेंट के साथ भी होता है, जैसे ये तो AI 270 स्टूडेंट था, तो ये इतनी बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, बहुत लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ऊपर तक लेके गए इस न्यूज को, लेकिन अगर कोई मान लीजिए किसी के अगर रैंक 8 या 9 हजार आती तो उसके लिए तो कोई बात नहीं करता। तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा एक सजेशन है जोसा के लिए कि जो हाँ वो ऑप्शन देते थे कि विड्रॉ फ्रॉम सीट एलोकेशन एंड फर्दर राउंड्स, ठीक है, अगर कोई रिफंड मतलब किसी को सीट पसंद नहीं आती और अगर रिफंड करना चाहता है, ठीक है, विड्रॉ करना चाहता है, तो वहां पर जो ऑप्शन आता था कि विड्रॉ फ्रॉम सीट एलोकेशन एंड फर्दर राउंड्स, उस ऑप्शन को हटा के उनको ये लिखना चाहिए कि आई वॉन्ट टू कैंसिल द एडमिशन एंड एग्री टू रिसीव द मेंशनड रिफंड, ठीक है। इससे किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कोई गलती वगैरह नहीं होगी। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिद्धांत बत्रा को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि फाइनली उनको सीट मिल गई, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।